how to install Xabbix server on Ubuntu 20.04. Xabbix is an open source web-based monitoring tools for monitoring a diverse range of IT components. In this video, I will show you how to install Xabbix server on Ubuntu 20. तो इसके जो हमें जो prerequisite सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए सबसे पहले हम अपाचे को इंस्टॉल करना होगा. तो सबसे पहले हम अपने OS को अपडेट कर लेते हैं. सो डू apt अपडेट. तो हमारा OS अपडेट हो गया है. अब हम इसके अंदर अपाचे इंस्टॉल करेंगे. अपाचे इसका का जो कमांड है वो है sudo apt space install space apache 2. तो एंटर करते हैं -y. यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस हो रही है, दोबारा टाइप करते हैं sudo apt install apache 2. तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है apache 2. तो apache इंस्टॉल हो गया है. इसमें एक बार हम इसकी सर्विसेज को स्टार्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं. तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस अपाचे 2, तो ये हमें स्टेटस दिखा देगा, रनिंग और एक्टिव मोड में है अपाचे 2. अब इसको हम इनेबल करते हैं. तो उससे टाइप करेंगे सिस्टम सीटीएल स्पेस इनेबल स्पेस अपाचे 2, एंटर करेंगे. तो दोबारा टाइप करते हैं सिस्टम सीटीएल स्पेस इनेबल स्पेस अपाचे 2 और एंटर करेंगे. तो ये इनेबल्ड हो जाएगा. इनेबल्ड हो गया है भी है. अब हमें एक PHP इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल PHP एंड एसोसिएट मॉड्यूल्स. टू इंस्टॉल PHP पैकेज यूज द फॉलोइंग कमांड. तो हमें सिंपली टाइप करना है sudo apt install space php space php hyphen mb string space php hyphen gd space php hyphen xml space php hyphen bcmath space php hyphen ldap space php minus mysql. तो ये PHP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा. इसमें PHP इंस्टॉल हो गया इसके अंदर. Once the installation is complete, head over to the PHP configuration directory. तो हमें PHP की configuration file open करनी है और यहाँ पर हमें कुछ editing करनी है. तो simply type करते हैं sudo space vim space etc slash php slash 7.4 slash apache 2 slash php.ini. अब यहाँ पर हमें कुछ editing करनी है. तो जो editing करनी है वो है memory limit करनी है 256. तो हम search करते हैं memory underscore limit. इसको हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली 256 MB. उसके बाद हमें चेंज करना है अपलोड मैक्स फाइल साइज. तो सर्च करते हैं अपलोड मैक्स फाइल साइज. यहाँ पे 2 MB दिखा रहा है, इसको हमें चेंज करना है 16 MB. पोस्ट मैक्स साइज 16 MB करना है, उसको सर्च करते हैं. उसके बाद हमें चेंज करना है मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम 300, 30 है इसको चेंज कर 300 कर देंगे. मैक्स इनपुट टाइम भी हमें चेंज करना है, तो उसको 60 को हटा के हम 300 कर देते हैं. उसके बाद हमें चेंज करना है मैक्स इनपुट टाइम, मैक्स इनपुट वार. तो सर्च करते हैं मैक्स अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर वार. ये अभी 1000 दिखा रहा है, इसको हमें अनकमेंट करना है और यहाँ पे देना है 10000. उसके बाद हमें टाइम जोन चेंज करना है. तो सिंपली सर्च करते हैं डेट डॉट टाइम जोन. तो यहाँ पे आ गया. इसको पहले हम अनकमेंट करेंगे, कॉलन हटाएंगे यहाँ से. उसके बाद टाइम जोन डालेंगे इंडिया सॉरी एशिया स्लैश कोलकाता. अब इसको हम सेव कर देंगे wq दबा के. तो सेव हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल PHP की. अब हम एक बार अपाचे की जो सर्विसेज उसको रिस्टार्ट कर लेते हैं. तो टाइप करते हैं यहाँ पे हमें डालना है इन्वर्टेड कॉमा. अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालेंगे तो एरर आ जाएगा. अब हम अपाचे सर्वर की सर्विसेज रिस्टार्ट कर लेते हैं. तो टाइप करते हैं सिस्टम सीटीएल स्पेस रिस्टार्ट स्पेस अपाचे 2.
एंटर करते हैं तो अपाचे वगैरह रिस्टार्ट हो गया है। इंस्टॉल मारिया डी बी डेटाबेस सर्वर, तो इंस्टॉल मारिया डी बी से डेटाबेस सर्वर हमें इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपली टाइप करते हैं sudo apt install mariadb hyphen server space hyphen y, एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा मेरा mariadb। तो mariadb जो है एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो गई है। अब harden new database server using the command, तो सिंपली टाइप करते हैं mysql underscore secure underscore installation, तो MySQL का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा इसमें, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है करेंट पासवर्ड, तभी कोई पासवर्ड है नहीं, तो सिंपली हमें एंटर करना है। अब हमें एक रूट का पासवर्ड सेट करना है, तो आप यहाँ पे वाई टाइप कीजिए और एंटर करिए। रूट का पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वैसे पासवर्ड डाल सकते हैं। तो मेरा मैं ये सक्सेस हो गया है यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट MariaDB इंस्टॉलेशन हैज एन एनोनिमस, तो यहाँ पे हमें यस करना है, यस यस यस। बाकी जो भी डिटेल्स आप मांगेंगे हम सबको यस करना है और एंटर करते हैं। ऑल डन, इफ़ यू आर कंप्लीट ऑल द अबव स्टेप्स MariaDB इंस्टॉलेशन शुड नाउ बी सिक्योर। क्रिएट ज़ेबिक्स यूज़र एंड डेटाबेस, तो अब हम ज़ेबिक्स के लिए यूज़र एंड डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम अपने MySQL में लॉगिन कर लेते हैं रूट यूज़र से। तो टाइप करते हैं MySQL स्पेस हाइफन यू स्पेस रूट स्पेस हाइफन पी, तो ये रूट यूज़र से लॉगिन हो जाएगा MySQL, एंटर करेंगे। अब हमने एक पासवर्ड दिया था रूट यूज़र का, तो वो डाल देते हैं, एंटर करते हैं। वेलकम टू MariaDB मॉनिटर, MariaDB के अंदर अब आ गए। अब यहाँ पे यूज़र एंड डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, तो सिंपली टाइप करते हैं क्रिएट डेटाबेस स्पेस ज़ेबिक्स अंडरस्कोर डेटाबेस, तो ज़ेबिक्स अंडरस्कोर डेटाबेस ये मेरे डेटाबेस का नाम है। स्पेस कैरेक्टर सेट UTF-8 कॉलेट UTF-8 अंडरस्कोर बिन एंड कॉलन, एंटर करेंगे। तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, तो हम टाइप करेंगे क्रिएट यूज़र इन्वर्टेड कॉमा ज़ेबिक्स अंडरस्कोर यूज़र इन्वर्टेड कॉमा एट द रेट इन्वर्टेड कॉमा लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, तो जो पासवर्ड हम यहाँ पे देंगे वो है पासवर्ड 321। इससे एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा हमारा यूज़र अंडरस्कोर यूज़र के नाम से, सॉरी ज़ेबिक्स अंडरस्कोर यूज़र के नाम से। अब हम इस यूज़र को सारे प्रिविलेज देंगे, तो सिंपली टाइप करते हैं ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन ज़ेबिक्स अंडरस्कोर डीबी, तो जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था उसके उसको जो परमिशन है सारी हम यूज़र्स को देंगे, जो कि यूज़र्स है हमारा ज़ेबिक्स अंडरस्कोर यूज़र, और एंटर करेंगे। तो ये मेरी सारी परमिशन मिल गई है इस यूज़र को। अब सिंपली हम फ्लश प्रिविलेजेस कर लेते हैं, तो टाइप करेंगे फ्लश स्पेस प्रिविलेजेस कॉलन और एंटर करेंगे। तो ये हमारा सारी कंप्लीट हो गया है हमारा यूज़र्स क्रिएशन और डेटाबेस क्रिएशन। अब इसको हम एग्जिट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे बाय का मैसेज आ गया है, तो हम MariaDB से एग्जिट हो गए हैं। अब हम एक करते हैं इनेबल ज़ेबिक्स रिपोजिटरी टू एड ज़ेबिक्स रिपोजिटरी टू योर सिस्टम, फर्स्ट डाउनलोड द ज़ेबिक्स रिलीज डेबियन पैकेज यूजिंग डुप्लीकेट कमांड, तो हम ये एक पैकेज यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से डब्ल्यू गेट की कमांड से, और एंटर करेंगे। तो ये डाउनलोड हो गई है ज़ेबिक्स हाइफन रिलीज टू इनेबल द ज़ेबिक्स रिपोजिटरी टाइप sudo dpkg हाइफन आई स्पेस ज़ेबिक्स हाइफन रिलीज, तो ये अनपैक हो जाएगा, ज़ेबिक्स रिलीज अनपैक हो गया मेरा। अब हम करते हैं इंस्टॉल ज़ेबिक्स सर्वर, तो सिंपली टाइप करते हैं sudo apt install ज़ेबिक्स हाइफन सर्वर हाइफन mysql ज़ेबिक्स हाइफन फ्रंट एंड हाइफन php ज़ेबिक्स हाइफन एजेंट स्पेस ज़ेबिक्स हाइफन अपाचे हाइफन कॉन conf conf, एंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ मुझे एरर दे रहा है, तो सबसे पहले हम अपने OS को अपडेट कर लेते हैं। तो टाइप करते हैं apt अपडेट, तो ये अपडेट हो गया है। अब दोबारा वाली कमांड को रन करते हैं, एंटर।
तो देखिए मेरा जेबिक्स इंस्टॉल हो गया है इसके अंदर। अब हम जेबिक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको ओपन करते हैं। तो टाइप करते हैं sudo space vim space slash etc slash zabbix slash zabbix underscore server dot conf conf एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ एडिट करना है, हमारा जो डेटाबेस है और जो यूज़र नेम है वो हमें मेंशन करना होगा। अपडेट योर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन एज पर योर डेटाबेस यूज़र सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम डेटा डीबी होस्ट को एडिट करेंगे, तो सर्च करते हैं डीबी होस्ट। जो डीबी होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट है इसको हम करते हैं अनकमेंट, तो इसके यहाँ से हटा देंगे हैशटैग को। उसके बाद जो अगली नेक्स्ट लाइन है उसको भी हमें एडिट करना है, वो है डेटाबेस नेम डीबी नेम। जो भी हमारा डेटाबेस का नाम था वो था जेबिक्स अंडरस्कोर डीबी, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना डेटाबेस नेम जेबिक्स अंडरस्कोर डीबी जो हमने क्रिएट किया था डेटाबेस। उसके बाद हम इसका पासवर्ड यूज़र नेम देते हैं डीबी यूज़र, तो जो हमारा डीबी यूज़र था वो था जेबिक्स अंडरस्कोर यूज़र। इसको हम अनकमेंट करते हैं यहाँ से, तो सॉरी अनकमेंटेड है ऑलरेडी, यहाँ पे हम दे देते हैं जेबिक्स अंडरस्कोर यूज़र। और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था यूज़र्स का वो दे देते हैं डीबी पासवर्ड। तो पासवर्ड था हमारा पासवर्ड पी कैपिटल में @ SSWRD। सबसे पहले हम डीपी पासवर्ड को अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे जो हमने पासवर्ड रखा था, तो हमारे पासवर्ड था पी कैपिटल में @SSWRD321। अब इसको हम सेव कर देते हैं, कॉलन प्रेस करेंगे, फिर डब्ल्यू क्यू प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारी ये जेबिक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव हो जाएगी। अब हम देन लोड द डिफ़ॉल्ट स्कीमा फॉर द जेबिक्स डेटाबेस, तो जो स्कीमा थी उसको लोड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्टरी में जाते हैं, एंटर करेंगे डायरेक्टरी में, आने के बाद डायरेक्टरी में आ जाएंगे जेबिक्स -server -mysql, तो डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब सिंपली हमें टाइप करना है zcat create.sql.gz, उसके बाद है mysql -u zebix_user। तो पासवर्ड था हमारा वो हमें डाल देते हैं, एंटर करते हैं, तो ये हमारी लोड हो गई है स्कीमा। अब हम जेबिक्स की सर्विस को एक बार स्टार्ट और इनेबल कर लेते हैं, तो सिंपली टाइप करेंगे sudo स्पेस सिस्टम CTL स्पेस इनेबल स्पेस zbx-server, तो ये मेरी जेबिक्स की सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी, इनेबल हो गई हैं। अब हम इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं इसकी सर्विसेज को, तो टाइप करते हैं सिस्टम CTL रीस्टार्ट स्पेस जेबिक्स -server, एंटर करेंगे। एक बार हम इसका स्टेटस भी चेक कर लेते हैं, सिस्टम CTL स्टेटस zbx-server। एंटर करेंगे तो ये दिख जाएगा, देखिए दोस्तों एक्टिव है मेरा जेबिक्स सर्वर। अब हम अपाची सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो टाइप करते हैं सिस्टम CTL स्पेस रीस्टार्ट स्पेस अपाचे, एंटर करेंगे। अपाचे सर्वर ही मैंने स्टार्ट हो गया है, अब मेरा जेबिक्स सर्वर इंस्टॉल हो गया है। अब कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑन ब्राउज़र, तो सिंपली सबसे पहले हम अपने जेबिक्स सर्वर को ब्राउज़र के थ्रू ओपन करते हैं, तो सिंपली टाइप करते हैं अपने जेबिक्स सर्वर का आईपी एड्रेस। तो मेरा जेबिक्स सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.251। तो अब सिंपली ब्राउज़र ओपन करते हैं हम, इसके आगे लिखेंगे जेबिक्स, एंटर कर देंगे। तो जेबिक्स का वेलकम पेज मेरे सामने आ गया है। अब यहाँ से बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमें वेब पेज के थ्रू करनी है, तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको अपने मेन मशीन में ओपन कर लेता हूँ, अपने जेबिक्स सर्वर की आईपी डाल के उसके आप स्लैश डालेंगे, फिर लिखेंगे जेबिक्स
और एंटर कर देंगे। तो ज़ैबिक्स ओपन हो गया है, सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने जहाँ पे डिटेल्स जो हमने पीएचपी के आईएनए फाइल को एडिट किया था, पीएचपी ऑप्शन, मेमोरी लिमिट, मेमोरी साइज, अपलोड मैक्स फाइल साइज, मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम, तो यहाँ पे मुझे अपना डेटाबेस का नाम देना होगा। तो मेरा डेटाबेस का नाम था ज़ैबिक्स अंडरस्कोर डीबी और मेरा यूज़र था ज़ैबिक्स अंडरस्कोर यूज़र। उसका हमने एक पासवर्ड भी डाला था जो था पी कैपिटल एट द रेट SSWRD321। पी कैपिटल SSWRD321 एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमने यही पासवर्ड डाला था यानी। तो हम चलते हैं अपने Ubuntu पे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या पासवर्ड रखा था। तो पासवर्ड हमारा ये था P@SSWRD321। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आ गया है ज़ैबिक्स सर्वर डिटेल, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं नाम देता हूँ अपने ज़ैबिक्स सर्वर का टेक्नो पाठशाला, और लोकल होस्ट का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे अपने आईपी एड्रेस 192.168.0.251 और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आ गया है प्री इंस्टॉलेशन समरी। तो मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस टाइप है MySQL, लोकल डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस पोर्ट, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र्स, नेक्स्ट करेंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल ज़ैबिक्स फ्रंट एंड, फिनिश कर देंगे इसको। तो मेरा ज़ैबिक्स इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसका जो यूज़र नेम होता है वो होता है एडमिन, और पासवर्ड होगा ज़ैबिक्स, जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है, और इसको हम साइन कर देंगे। तो मेरा ज़ैबिक्स साइन इन हो गया है, और इस तरह से मेरे पास इसका ग्लोबल व्यू दिख रहा है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ज़ैबिक्स सर्वर इज रनिंग, नंबर्स ऑफ होस्ट, नंबर्स ऑफ टेम्पलेट्स, नंबर्स ऑफ आइटम्स। यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी भी दिखा रहा है, हाई सेफ स्पेस यूजेस लेस देन 50% फ्री। यहाँ पे आप होस्ट भी ऐड कर सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं।